Hello, this is Prashant and I'm software developer in Tech Mahindra. Basically, I'm a Android application developer, and it's a hobby, or you may say that it's my interest to learn guitar. बात कहें कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स को देखता था, एक दो फ्रेंड हैं मेरे जो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, तो फिर मुझे भी थोड़ा सा अंदर से लगा. और शाम का समय हमेशा कंप्यूटर, इट्स अ बोरिंग लाइफ. फिर मेरे दिमाग में मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट राइज किया. फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं. फिर मैंने गिटार सीखने के लिए एक दो इंस्टीट्यूट्स देखे, तो मैं एक इनिशियल स्टेट में मैं एक है हमारे लोकल में ही एक है, वहाँ पे मैं गया, एक दो दिन वहाँ क्लासेस करी, बट मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट टाइम. फिर मैंने क्या किया, मैंने पता किया, गूगल किया, इधर उधर पता किया, फिर मुझे गिटार वॉम के बारे में पता चला. दैट टाइम आई लिटरली इम्प्रेस द वे दे टेलीफोन विद मी एंड ऑन फोन डिस्कशन. आई वॉज लिटरली इम्प्रेस दैट टाइम. फिर मैं फिर कॉन्टेक्ट किया, फिर बात हुई, फिर मैं इसमें एडमिशन भी ले लिया. उस समय मैं बहुत ही नर्वस था कि क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो म्यूज़िक का है ही नहीं. मीन्स एकदम सॉफ्टवेयर लाइन से आप सोच सकते हो कि एकदम म्यूज़िक में घुसना है, मतलब दोनों अलग अलग फील्ड हैं, और आप एक जगह मतलब दोनों चीज़ को मैच कर रहे हो, कैसे मैच कर रहे हो, तो मेरा ये फील्ड ही नहीं था. फिर भी मैं यहाँ पर आया. मेरा लग कि बहुत अच्छे सर से मेरी यहाँ मुलाकात हुई. फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर पाया. अभी मीन्स इन फ्यू क्लासेस मुझे टैब्स और कॉर्ड्स समझ में आने लगे हैं. गिटार क्या चीज़ है, कितना अच्छा है, क्या मतलब और कितने आगे तक जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मुझे पता चला. सबसे बड़ी बात है कि आ सिस्टम मीन्स हमारे फील्ड में भी, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें भी हम ABC से स्टार्ट करते हैं, देन आप फिर उसमें एक रिदम बनाते हो. सेम वे यहाँ पे भी जो मुझे एजुकेशन मिला अभी तक का जो है वो एकदम इनिशियल से ऊपर तक का है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत ही अच्छा है. तो कुल मिला के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का, और इन फ्यूचर मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में बहुत अच्छा म्यूज़िक प्ले करके आपको फिर से दिखाऊंगा.